नॉर्मली हर एक सिस्टम को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पर लेकिन सोसाइटी का कुछ तबका ऐसा भी होता है कि वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि पैसा देकर वो सर्विस प्रोवाइड करा सके। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। वो क्यों प्रोवाइड कराती है? क्योंकि कुछ सोसाइटी का तबका हमारा ऐसा है जो कि इतना कैपेबल नहीं है कि वो सारी चीजें खुद से खरीद सके। वहां पर उनका जो रिवेन्यू है, जो मंथली उनका जो जनरेट करते हैं, वो रिवेन्यू जो उनकी सैलरी वगैरह होती है, वो उस लेवल पर नहीं हो पाती है ताकि वो अपना डे बाय डे की एक्टिविटी को प्रॉपर वे में चला सके। तो इसलिए उनको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हमारी सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी स्कीम निकल कर आती है। तो वो एक पार्ट होता है। इसी तरीके से आप लोगों को एक पार्ट देखने को मिलेगा जुडिशरी, जो हमारी सिस्टम की जुडिशरी है। हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, उसमें ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर नीचे सबोर्डिनेट कोर्ट होता है। ये सारे मैं आप लोगों को टोटल डिटेल में पढ़ा चुका हूं। पर लेकिन अगर कोई इंसान यहां में से किसी भी सिस्टम में जाता है तो उसको प्रॉपर वे में यहां पर मनी पे करनी पड़ती है, मतलब उसको जाकर वहां पर बहुत बड़े बड़े वकील हायर करने पड़ेंगे और जाकर तब जाकर उसका केस यहां पर पहुंचेगा और तब जाकर वो केस लड़ेगा। पर लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे तो कहीं ना कहीं उनको ये भी पता था कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत गरीब है, कुछ तबका ऐसा है जो कि इनका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो उनके लिए भी यहां पर एक सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है ताकि अगर कोई सोसाइटी का तबका ऐसा है जो कि यहां तक नहीं पहुंच सके तो पर उनको भी जस्टिस मिल सके। इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि सब इक्वल है, पर लेकिन वो इक्वलिटी कैसे मिलेगी जब सबको जस्टिस भी कम से कम यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। तो वही सिस्टम को यहां पर कंप्लीट करने के लिए आता है पिक्चर में नाल साहब। हालांकि स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं दिखेगा, थोड़ा लेट आएगा यहां पर पिक्चर में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में कंप्लीट पिक्चर में आया था, उस टाइम पर आप लोगों को यहां पर नाल सा नहीं दिखेगा। ये थोड़ा लेट आया पर लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, लेक्चर काफी शानदार होने वाला है, कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मिलने वाली है इसके बारे में कि क्या ये सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहां पर प्रोविजन रखे गए हैं, किस किस स्टेज पर ये होता है, मतलब सेंट्रल स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट पर कहां कहां पर ये होता है, कौन इसमें इलिजिबल होते हैं इसमें अपना केस लड़ने के लिए, और क्या क्या इसकी फंक्शनिंग होती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा लेटेस्ट क्या क्या यहां पर अभी चेंजेस आए, मतलब थोड़ा करंट अफेयर का भी पोर्शन आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो लेक्चर काफी शानदार होने वाला है, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए, मैंने अभी बोला आप लोगों को नालसा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है, मतलब एक लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करानी हमारे सिटीजन को। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो अमेंडमेंट करके आर्टिकल आप लोगों को देखना पड़ेगा, आर्टिकल 39A के तहत ये बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर बात की जाती है कि फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर, जो पुअर है हमारी सोसाइटी का तबका, जो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन तक नहीं पहुंच पाता है उनके लिए यहां पर, या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनके लिए सबके लिए यहां पर जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनका हनन हो जाता है। फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आप लोगों को डिटेल में लेक्चर लिया है उनसे रिलेटेड, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कहीं ना कहीं जब बात आती है इक्वलिटी की, जब बात आती है राइट टू लाइफ की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। जब इक्वल जस्टिस की बात आती है यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कई सारे आर्टिकल यहां पर पिक्चर में आते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं स्टेट को यहां पर फोर्स करते हैं कि ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग सबके लिए ऐसा लाभ बनाए जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इन आर्टिकल की वजह से यहां पर पिक्चर में आता है नालसा। ओके, तो नालसा को अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप लोगों के सामने नजर आएगा यहां पर एक एक्ट, उस एक्ट के तहत यहां पर नालसा आया जिसको बोलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। एक्ट था ये 1987 का, 1987 में ये एक्ट आया, पार्लियामेंट में पास होके एक्ट आया। उसके बाद में यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक यूनिफॉर्म सिस्टम हमारी पूरी कंट्री में प्रोवाइड कराया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम इस तरीके से प्रोवाइड कराया गया कि जो भी सिस्टम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेंटर पे सिस्टम देखने को मिलेगा, फिर स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, और फिर उसके नीचे भी सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है, वो आप लोगों को आगे लेक्चर में देखने को मिलेगा आखिर ये सबसे नीचे वाला लेवल कौन सा होता है। ओके, तो आखिर में है क्या यहां पर सिस्टम ये है कि देखिए यहां पर नालसा के तहत एक बॉडी क्रिएट की जाएगी जिसके तहत यहां पर जाकर जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री जस्टिस रहेगा यहां पर, कोई भी आप लोगों को पैसा पे नहीं करना रहेगा, क्योंकि एक ऐसा तबका सोसाइटी का है यहां पर जो कि उस कैपेबल नहीं है कि वो इस तरीके से यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए फी पे कर सके। तो उनको भी यहां पर सर्विस प्रोवाइड तो करानी ही है, आखिर सिटीजन ऑफ द इंडिया है और सिटीजन बनते ही उनको ये हक मिल जाता है कि उनको भी यहां पर एक इक्वलिटी का राइट प्रोवाइड कराया जा सके और वो भी अपनी लाइफ को एक आसानी से अपनी कंट्री में जी सके। तो उसी के लिए आप लोगों को कुछ ऐसा प्रोविजन यहां पर नजर आता है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आप लोग याद रख सकते हैं 1987, जिसके तहत यहां पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड कराया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉपर वे में पिक्चर में कब आया यहां पर ये नालसा, यह 5 दिसंबर 1995 में। ओके,
पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर इस टाइम पर ये आया थोड़ा। इसके बाद में आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल देके पता होनी चाहिए इस तरीके की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती है छोटे छोटे एग्जाम में, लेकिन बड़े एग्जाम अगर आप लोग देंगे उनमें थोड़ी अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एसएससी और बैंकिंग में जरूर पूछ ली जाती है, तो उनके लिए भी आप लोगों को थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 लेवल का सिस्टम, लीगल सर्विस अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी 3 लेवल पर। पहले तो आप लोगों को नेशनल लेवल पर देखने को मिलेगी, जिसे मैंने लाल सा देखा अभी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। फिर इसी तरीके से आप लोगों को स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगी, जिसे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोला जाता है। और तीसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी देखने को मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो यहां पर अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यहां पर आप लोगों को जो यहाँ पर हेड करते हुए नजर आएंगे वो भी यहाँ पर अलग अलग रहेंगे। पहले में आप लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नजर आएगा, दूसरे में आप लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नजर आएगा, और तीसरे में आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट जज नजर आएगा। तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसलिए आप लोगों के माइंड में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो सारे लेक्चर्स आप लोग वीडियो के नीचे जाके जस्ट देख सकते हैं, सारे के लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या फिर स्क्रीन पे भी आप लोगों के सामने यहाँ पर पॉपअप होकर लेक्चर आ जाएगा अगर आप लोग पूरा लास्ट तक लेक्चर देखते हैं तो। ओके, तो दोनों ही तरीके से आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा एक बार फिर से यहाँ पर नजर मार लीजिए, जब बात आती है यहाँ पर नालसा के चीफ की, तो यहाँ पर आप लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को नजर आएगा, पर लेकिन जब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात आती है तो सीनियर मोस्ट जज आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का नजर आएगा। सिमिलर कंडीशन आप लोगों को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद रख सकते हैं, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस, यहाँ पर चीफ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को नजर आएगा रेस्पेक्टिवली, मतलब स्टेट में स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आखिर प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा तो यही है, सबसे बड़ा तो एक जुडिशरी पे बर्डन रहता है, बर्डन को घटाना एक तो जुडिशरी के ऊपर, ठीक है ना, केसेस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना। इसके अलावा जो पुअर सिटीजन हमारी सोसाइटी के हैं उनके ऊपर, उनके लिए भी यहां पर एक प्रोविजन है ताकि उनको फ्री यहां पर लीगल एड सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, और जुडिशरी के ऊपर बर्डन तो घटेगा घटेगा जब हम लोग इस लेवल पे आकर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से यहां पर आप लोगों को काम देखते हुआ नजर आएगा, मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी यहां पर, और इस तरीके से जुडिशरी पे बर्डन तो घटता हुआ नजर आएगा ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में जुडिशरी के ऊपर कितना बर्डन है, कई कई सालों तक यहां पर केस लड़ते रहते हैं। आप लोगों ने दामिनी मूवी भी देखी होगी सनी देओल की, जब वहां पे बोला जाता है तारीख पे तारीख, वो रियलिटी है, वो आप लोगों को मूवी के बेस में समझाने की कोशिश की गई है, पर एक्चुअल में रियलिटी वही है। अगर आप लोग अपनी जुडिशरी का सिस्टम उठाकर देखेंगे तो उस तरीके का सिस्टम हमारी कंट्री में कंटिन्यू न रहे, एक प्रॉपर वे की सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, मतलब जितना लेट आप लोग जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आप लोगों ने जस्टिस प्रोवाइड ही नहीं कराया, मतलब आप लोगों ने न्याय दिया ही नहीं है, कुछ ऐसी फीलिंग वहां पर आने लगती है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इसको देख कर चलिएगा। तो मेन फंक्शन क्या क्या है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर मेन फंक्शन नजर आ रहे हैं, ये सारे आप लोगों को मेन फंक्शन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में कि नालसा यहाँ पर वर्क कैसे करता हुआ नजर आता है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि फ्री सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी एक लीगल अथॉरिटी के द्वारा, लीगल सर्विस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, कानूनी कार्रवाई जो यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। लोक अदालत का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा, आखिर होती क्या है, किस तरीके का प्रोविजन होता है, कैसे ऑर्गेनाइज कराई जाती है, किस किस लेवल पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है, लोक अदालत के बारे में सब कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। उनको एमिकेबल ढंग से यहाँ पर सेटल किया जाता है, मतलब मैत्रीपूर्ण ढंग से यहाँ पर सेटल किया जाता है, लोक अदालत में ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आमने सामने बैठकर सुलझावा कर देना दो आदमियों का कि हाँ भैया ऐसे ऐसे बैठ के, वो नहीं कहते हैं आप लोगों को कि बिचौलिया बन के दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हो रही है उसको सुलझवा देना, तो इस तरीके यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप यहाँ पर रूरल एरिया जो गांव के एरिया में वहां पे भी कैंप ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि हाँ ऐसा भी कुछ फंक्शन है जहां पर आप लोग यहाँ पर फ्री सर्विस ले सकते हैं। आखिर फ्री सर्विस यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, जब फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है उसमें देखिए कोर्ट की फीस वगैरह रहेगी, सारे जो भी चार्जेस यहाँ पर रहते हैं कोई भी किसी भी तरीके का उसका कोई भी चार्ज नहीं देना है, यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा लॉयर की सर्विस फ्री, मतलब कानूनी कार्रवाई जो आप लोगों को फ्री देखने को मिलेगी, जो भी आप लोगों को यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है जिनकी कॉपी है या फिर जो भी आप लोगों को चाहिए प्रोसीडिंग लीगल सब कुछ फ्री देखने को मिलेगी, पेपर वर्क प्रिंटिंग सब कुछ, एक ट्रांसलेट अगर आप लोगों को करना है, मान लीजिए इंग्लिश में वहां पर टोटल प्रोविजन सुनाया गया तो आप अगर उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में तो वो भी सब कुछ यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, बस आप लोगों को वहां पर आने जाने और रहने का खर्चा देना पड़ेगा, बाकी का सब कुछ आप लोगों को जो कंप्लीट कोर्ट की कार्रवाई है वो यहां पर फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है,
तो कम से कम यहां पर इतना तो देखिए, यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि जो जो बड़ी बड़ी जो जो बड़े बड़े वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फीस वसूलते हैं अपने कस्टमर से, तो कम से कम उनसे बचाया जा सके, ठीक है। और जो गरीब तबका होता है, कम से कम उनको इस तरीके की मार न झेलनी पड़े। पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जस्टिस जो होता है, जो डिले होता चला जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अलग तरीके की फिर मार डालता है इंसान को, तो उसका भी कुछ थोड़ा सा उसके लिए भी फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी केस का निपटारा किया जाए। तो दोनों ही तरीके से यहां पर फायदा करने की कोशिश की जाती है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि इसके अंदर आता कौन कौन है, मतलब कौन कौन पर्सन एलिजिबल है यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जिसके अंदर यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस जिसको मिलती है। सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन एंड द चिल्ड्रन, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मेंबर्स ऑफ द एससी एसटी देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल वर्क, जो इंडस्ट्रियल जो वर्क फोर्स होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को विक्टिम, जो भी डिजास्टर वायलेंस फ्लड या ड्रोथ या अर्थक्वेक में कोई भी डिजास्टर यहां पर हो गया है, उसकी वजह से अगर कोई पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। डिसेबल पर्सन देखने को मिलेंगे, जो पर्सन कस्टडी में है ऑलरेडी, वो भी यहां पर उनको भी इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, अगर वो इस कैपेबल नहीं है कि अपना कोई वकील बना सके। पर्सन जिसका इनकम जो लेवल है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब 1 लाख से नीचे इनकम लेवल के पर्सन को यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। और जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की, तो वहां पर 1,25,000 से नीचे नीचे तक यहां पर होना चाहिए, तो इतना इनकम यहां पर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है जिनकी लो इनकम है उनको यहां पर यह सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। या फिर कोई ट्रैफिकिंग का, यहां पर अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है किसी के तहत, कोई बेगर भिखारी बना दिया गया है इंसान को, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह ले जाकर बेच दिया जाता है, देह व्यापार कराया जाता है उससे, ले जाकर दूसरी जगह पे भीख मंगवाई जाती है, उसको जबरदस्ती लेबर फोर्स कराया जाता है उससे, तो अगर इस तरीके की कोई सर्विस, इस तरीके कोई मैटर देखने को मिलता है, इस तरीके कोई विक्टिम आता है, इस तरीके कोई इंसान आता है, तो उसको भी यहां पर इसके तहत सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सीधा सीधा आप लोगों की समझ में ये आया होगा कि जो भी सोसाइटी का तबका कोई ना कोई अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके का मैटर फेस कर रहा है सोसाइटी में आज के डेट में, तो उसको सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जाती है नालसा के तहत। तो नालसा पिक्चर में आ जाता है तुरंत, जब जब बात आती है कि इंसान को सही सर्विस प्रोवाइड करानी है, और एक अच्छे लेवल पर सर्विस प्रोवाइड कराने के साथ साथ में उसकी यहां पर उसकी जो जो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी सोसाइटल कंडीशन है, उसको भी देखा जाता है, यानी कि उसके ऊपर ज्यादा बर्डन न बनाया जाए। तो इस तरीके का प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ये तो वर्क करी कर रहा है, इसके लेवल पर और भी कई सारे वर्क यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेब पोर्टल एप्लीकेशन यूज किया गया था जिसके तहत फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी जो प्रिजनर्स होते हैं उनको कॉन्फ्रेंस के लेवल पर। देखने को क्या मिलेगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत दूर है, ठीक है, तो उसको भी कम से कम सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। तो पहले तो आप लोगों को देखने को मिला प्रिजनर को एक सर्विस प्रोवाइड कराई गई थी जिसके तहत 18 स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक साथ में मिलकर यहां पर पिक्चर में आई थी और सबने बोला कि हाँ हमको ये सही है, ये सिस्टम प्रोवाइड कराना चाहिए। तो लीगल सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर डेवलप किया गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये है क्या, ये बोला मैंने आप लोगों को नेशनल इन्फॉर्मेटिक सर्विस सेंटर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को देखने को मिला नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, ये NIC, इसको इंडिया बोलते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विस जो एप्लीकेशन होते हैं प्रोवाइड कराती है, और मिनिस्ट्री कई बार पूछ ली जाती है। तो मिनिस्ट्री आप लोग इसकी याद रख सकते हैं, यहाँ पर मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसका गठन किया गया था 1976 में और हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली में। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जो कि यहाँ पर इस तरीके वर्क करती है। क्यों किया जा रहा है इस तरीके का वर्क, क्योंकि जो सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, कोई भी किसी तरीके यहां पर इस तरीके का करप्शन न देखने को मिलेगा, पता चला कि बात तो की जा रही है फ्री की और वहां से किस सबसे पैसे ऐठे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों को देखने के लिए, और सबको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए, सबको एक जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा सिटीजन है जो कि डिसेबल है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यहाँ पर है, तो उनको भी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस ने लॉन्च किया था अभी यह टैली लॉ इनिशिएटिव, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये किसके साथ में मिलकर किया था, ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जस्टिस जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो दोनों ने मिलकर टैली लॉ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसके तहत यहां पर आप लोगों को कई सारी सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो सर्विस एक्चुअल में थी क्या, सर्विस एक्चुअल में ये थी, मान लीजिए कोई कम्युनिटी ऐसी है जो कि एक तो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, मान लीजिए सेंटर तो है आज की डेट में दिल्ली में, ठीक है, कोई इंसान रहता है बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए कोई एरिया में एमपी में किसी एरिया में रहता है, फिर यूपी में किसी एरिया में रहता है, तो दिल्ली में आने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए यहां पर कॉमन सर्विस सेंटर देखने को मिलेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसी फैसिलिटी थी जहां पर कॉन्फ्रेंसिंग की जा सके पंचायत लेवल पर, मतलब ये था अगर मान लीजिए किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्टेंस कवर करके वहां तक नहीं जाना है, उस इंसान की गवाही ली जाएगी कंप्यूटर के सामने बैठाकर और एक कंप्यूटर होगा जज के पास में, तो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोग नॉर्मली कई सारे एप्लीकेशन है जिनसे बात की जा सकती है, मतलब लाइव चैट की जा सकती है, इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहां पर की जाएगी, कॉमन सर्विस सेंटर अवेलेबल रहेंगे।
कॉमन सर्विस सेंटर में यहाँ पर पोर्टल रहेगा टेलीला, टेलीला यहाँ पर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएगा जिसके तहत यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाई जा सकेगी लीगल अथॉरिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर जो भी अथॉरिटी है और जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ कनेक्टेड पर्सन है ठीक है ना, जिसको यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो दोनों के साथ में यहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी जिसके तहत यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा सिस्टम यहाँ पर नजर आएगा। मतलब कहने का यह है, पूरा अगर डिटेल में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूं कि कहने का मतलब यह है, जो इंसान अगर मान लीजिए इतना ही ज्यादा गरीब है, वो अपने घर से भी नहीं निकल पा रहा है, तो उसको घर पर बैठे बैठे न्याय दिलाने का यह काम किया जा रहा है। मतलब घर पर बैठे बैठे उसको न्याय मिल जाएगा, घर पर ही उसको जस्टिस मिल जाएगा, अपने घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा। क्यों, इससे फायदा किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि आज के डेट में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके सामने है, आईटी टेक्नोलॉजी आपके सामने है, ऐप है दुनिया भर के, आज की डेट में फोन में भी सारे ऐप अवेलेबल होते हैं, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, क्यों ना अपनी कंट्री के सिटीजन है उनको ये सर्विस प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी को लेते हुए आप लोगों यहां पर टैली ला जो सर्विस है ये पिक्चर में आती हुई नजर आ रही है। तो टैली ला की आप लोग मिनिस्ट्री जरूर याद रखेगा, ला मिनिस्ट्री ऑफ और इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, तो दोनों मिनिस्ट्री का आप लोग यहां पर नाम याद रखेगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि करंट में अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना डेवलपमेंट ये नहीं है। इसके अलावा कई तरीके के अवार्ड भी प्रोवाइड कराते हैं अगर कोई ढंग से वर्क करता है। नेशनल अवार्ड आप लोग देखते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अवार्ड यहाँ पर राजस्थान स्टेट सर्विस अथॉरिटी को अजमेर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप लोग देखते हैं, वेस्टर्न जोन में, मतलब इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है अगर कोई ढंग से सर्विस प्रोवाइड कराता है, एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ आपकी बार हम टॉप करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अवार्ड भी प्रोवाइड कराया जाता है अगर कोई यहाँ पर सर्विस सेंटर जो है वो ढंग से काम करता है एक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर नालसा के बारे में, इसका एक बार थोड़ा रिव्यू आप लोगों को दे देता हूं जिससे आप लोगों के माइंड में फिक्स हो जाए लेक्चर, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है और वैसे भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ओके, थोड़ा आप लोग देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल भी इसके साथ में रिलेटेड आर्टिकल हो गया 39 है, इसके अलावा 14 और 22 आर्टिकल यहाँ पर पिक्चर में आता है जब बात आती है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए। ठीक है, 1987 का एक्ट है यहाँ पर जिसको बोलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ये पिक्चर में आया था 1995 में। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा याद रखेगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन कौन यहाँ पर वर्क करते हैं, जो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उसके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यहाँ पर जो हाईएस्ट जो जस्टिस रहेंगे वो यहाँ पर पिक्चर में आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिस भी स्टेट की बात रहेगी और चीफ जस्टिस जो भी डिस्ट्रिक्ट का रहेगा वो यहाँ पर पिक्चर में आएगा। स्पीडी जस्टिस और बर्डन प्रोवाइड जो बर्डन कम करने के लिए जुडिशरी पे इसका यूज किया जाता है, तीनों लेवल पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो तीनों लेवल के बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या क्या इसके फंक्शन रहते हैं, फ्री अदालत फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, क्या क्या फ्री सर्विस है ये सारी आप लोगों को मैं ऑलरेडी बताई चुका हूँ। यहाँ पर कौन इसके अंडर में आता है वो भी आप लोगों को थोड़ा याद होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से इंटरव्यू वगैरह में भी कहीं पर, तो आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए इससे रिलेटेड। ओके, ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट इसके अलावा आप लोगों को जो करंट का थोड़ा पोर्शन हो गया तो ये पता होना चाहिए टैली ला वगैरह क्या है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और किस किस लेवल पर ये वर्क कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी होनी चाहिए ताकि अगर आप लोगों से कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसका आंसर दे सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, देखिए लेक्चर पसंद आता है तो चीजों को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक किया कीजिए और शेयर भी मत किया कीजिए, जिससे कि क्योंकि कभी भी गलत चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये जो टेलीग्राम है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और देखिए कई सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मुझे टाइम दीजिए, पीडीएफ आप लोगों को सारी प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ सारी प्रोवाइड कराऊंगा प्रॉपर वे में, उसका थोड़ा सिस्टम जनरेट किया जा रहा है आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराने का, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस बनाए रखिए, ये मेरी ड्यूटी है, ये आप लोगों की ड्यूटी नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आप लोगों को सारी मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ये टेलीग्राम यहाँ पर आप लोगों को ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, इसके अलावा मॉर्निंग में जो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम लोग नैनो मैगजीन का, वो सारी चीजें भी आप लोगों को मिल जाती है। फिर मिलता हूँ आप लोगों को 4 बजे नैनो मैगजीन के साथ में, तब तक अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और मिलजुल कर रहिए, जितना हो सकता है कम से कम आप लोग यूज कीजिए पॉलिथीन वगैरह और प्लास्टिक वगैरह और इंजॉय कीजिए लाइफ को, रिविजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।